में पॉलिनेशन किस तरह से होता है, अभी हम देखेंगे कि बायोटिक एजेंट्स में क्या होता है। बायोटिक एजेंट इट इंक्लूड्स अ लिविंग क्रिएचर सच एज द इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल। तो ये सारे बायोटिक एजेंट के थ्रू जब भी पॉलिनेशन होता है तो उनको बायोटिक एजेंट ऐसे कहते हैं। अ पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एज अ एंटोमोफिली। एंटोमोफिली यानी कि पॉलिनेशन जब भी कुछ इंसेक्ट पॉलिनेशन कुछ इंसेक्ट्स के थ्रू होता है तो उसको एंटोमोफिली ऐसे कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है रोज, जैस्मिन, सेस्ट्रम एटसेट्रा। तो ये सारे प्लांट में इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और ये जो प्लांट है इनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, यानी कि ये प्लांट्स में क्या क्या एडेप्टेशन हुआ है सो दैट पॉलिनेशन विल टेक्स प्लेस इजिली। दे आर लार्ज, शोवी एंड ब्राइटली कलर्ड। तो ये जो फ्लावर होते हैं वो लार्ज होते हैं। ये लार्ज क्यों होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट को दिखना चाहिए कि ये यहाँ पे फ्लावर है करके। एंड शोवी, शोवी यानी कि अट्रैक्टिव होते हैं वो, एंड ब्राइट कलर्ड, ये अट्रैक्टिव एंड ब्राइट कलर की वजह, ये ब्राइट कलर के होने की वजह से इंसेक्ट इनके पास इजीली अट्रैक्ट हो सकते हैं, इसलिए ये इनका अपीयरेंस ऐसा होता है। द फ्लावर प्रोड्यूस्ड स्वीट ओडर एंड हैव अ नेक्टर ग्लैंड, यानी कि उनका उनके पास एक अच्छा फ्रेग्रेंस होता है और उसकी वजह से, ये फ्रेग्रेंस की वजह से इंसेक्ट इनके पास अट्रैक्ट हो सकते हैं। एंड इनके पास नेक्टर ग्लैंड भी होता है। नेक्टर ग्लैंड यानी कि शुगरी लिक्विड सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द स्टिग्मा। तो शुगरी लिक्विड है वो ये स्टिग्मा के थ्रू सिक्रेट होता है, उसके लिए इंसेक्ट इनके पास अट्रैक्ट होते हैं। सो दीज आर द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द एंटोमोफिलस फ्लावर्स। अभी नेक्स्ट टाइप हमें जो देखना है वो पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, उनको ऑर्निथोफिली ऐसे कहते हैं। जब भी पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होता है तो उनको ऑर्निथोफिली ऐसे कहते हैं। ओनली अ फ्यू टाइप ऑफ बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर पॉलिनेशन। यहाँ पे बर्ड्स यानी कि सारे जो बर्ड्स होते हैं वो पॉलिनेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पे कुछ फ्यू टाइप्स के बर्ड्स ही होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। ये जो बर्ड है उनके कैरेक्टर क्या है, दे हैव अ स्मॉल साइज एंड अ लॉन्ग बीक। इनकी जो साइज होती है वो साइज में छोटे होते हैं बट उनकी बीक जो है वो लॉन्ग होती है, क्योंकि लॉन्ग बीक के थ्रू पॉलिनेशन करना उनको आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल सनबर्ड्स एंड अ हमिंग बर्ड। हमें तो पता है कि हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। तो ऑर्निथोफिलस प्लांट्स के एग्जाम्पल है बॉम्बैक्स एंड ब्यूटिया, ये इनके एग्जाम्पल है। एडेप्टेशन इन ऑर्निथोफिलस फ्लावर। तो यहाँ पे क्या क्या एडेप्टेशन हुए हैं वो हम देखते हैं। फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, लार्ज एंड शोवी। यहाँ पे ये जो फ्लावर्स है ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं क्योंकि ये जो बर्ड्स है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो इसके लिए। लार्ज एंड शोवी क्योंकि वो दिखनी चाहिए, एंड शोवी यानी कि अट्रैक्टिव होते हैं। दे सिक्रेट अ प्रोफ्यूज डाइल्यूट नेक्टर, यानी कि इनका ये जो नेक्टर होता है ये प्रोफ्यूज यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रेट करते हैं एंड डाइल्यूट होता है। पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड स्पाइनी, क्योंकि यहाँ पे स्टिकी एंड स्पाइनी होने की वजह से ये उनके बीक को यानी कि बर्ड्स के बीक को स्टिक रह सकते हैं। एंड स्पाइनी यानी कि कभी कभी क्या हो जाता है कि पॉलिनेशन उनके फेदर के थ्रू भी होता है, उनके जो बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं उनके अंदर भी ये पोलन ग्रेन स्टिक हो सकते हैं, क्योंकि ये पोलन ग्रेन जब भी स्पाइनी हो गए तभी वो पोलन ग्रेन्स वो उनके फेदर में स्टिक हो सकते हैं। एंड फ्लावर्स आर विदाउट फ्रेग्रेंस, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं उनको फ्रेग्रेंस का सेंस नहीं होता है या बहुत ही पुअर होता है, तो उसकी वजह से ये जो फ्लावर्स है दीज फ्लावर्स आर विदाउट फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट पॉलिनेशन इज पॉलिनेशन बाय बैट्स। पॉलिनेशन ऑफ बैट्स इज कॉल्ड एज अ चिरोप्टेरीफिली। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बैट्स है ये पोलन ग्रेन बहुत दूर के डिस्टेंस तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो दे ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट द पोलन ग्रेन्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, समटाइम्स सेवरल किलोमीटर्स। तो इतनी दूर तक ये जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर करने की इनमें कैपेसिटी होती है। अभी बैट्स के थ्रू जो भी फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है उनमें क्या क्या एडेप्टेशन हुए हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज अ फ्लावर्स आर डल कलर्ड विथ अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। यहाँ पे ये जो फ्लावर है ये डल क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो बैट्स है वो रात के टाइम पे पॉलिनेशन करते हैं, तो रात के टाइम पे तो लाइट ऑफ होती है तो
ये जो फ्लावर है ये कलर्ड या ब्राइटली कलर्ड होने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये फ्लावर डल कलर्ड के होते हैं। एंड स्ट्रांग फ्रेग्रेंस, यहाँ पे स्ट्रांग फ्रेग्रेंस क्यों, क्योंकि बैट हैव अ गुड कैपेसिटी और अ गुड सेंस ऑफ अ फ्रेग्रेंस, सो वो इस टाइप के जो फ्लावर्स है उनके तरफ अट्रैक्ट होने के लिए इनका फ्रेग्रेंस जो है वो स्ट्रांग होता है। दे सिक्रेट अ अबंडेंट नेक्टर, ये जो प्लांट है ये नेक्टर सिक्रेट करते हैं, यानी कि शुगरी लिक्विड सिक्रेट करते हैं ताकि ये जो बैट्स है ये इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। नेक्स्ट वन इज फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन, फॉर एग्जाम्पल एंथोसिफेलस। ये जो फ्लावर्स है ये लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड करते हैं ताकि ये जो बैट्स है ये क्या है कि बहुत दूर तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करने का काम करते हैं। बट ये केस में क्या हो सकता है कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स नीचे गिर के वेस्ट हो सकते हैं, तो इसलिए ये प्लांट्स को बहुत ज्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन्स बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथोसिफेलस, जिसको कदम्ब ट्री ऐसे भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज अ किगेलिया, इसका कॉमन नेम है सॉसेज ट्री। तो इस तरह से ये वीडियो में हमने पॉलिनेटिंग एजेंसीज के बारे में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।